ये चैप्टर का नाम लिखिए केमिकल काइनेटिक्स। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में भी ये भी चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं और ये भी अच्छा चैप्टर है। देखो काइनेटिक्स का मतलब हुआ इस चैप्टर में हम ये एनालाइज करेंगे कि रिएक्शंस की रेट क्या है, रिएक्शन के स्पीड स्लो और फास्ट रिएक्शन को हम कैसे मेजर करेंगे वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की और फ्राइडे और सैटरडे ये तीन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सुना सारे लोग, तो ये तीन क्लास एटलीस्ट नहीं छूटनी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में हम शुरू के क्लासेस में रेट को एनालाइज करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ और से सुनेंगे। अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी बनाया, अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, सारे लोग सुनिए अच्छे से। रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है आपके पास, क्लियर है? तो हम रेट कैसे मेजर करेंगे कि अगर T=0 है इनिशियली, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो होता ही है, रिएक्टेंट का अमाउंट हमने ए मान लिया, तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? जीरो। आफ्टर सम टाइम्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। देखिए ए था ए माइनस एस घट रहा है, जीरो था एक्स हो रहा है, वो बाद में लिखाएंगे आपको। विद पैसेज ऑफ टाइम या ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, इसलिए नाम है रेट। रेट का मतलब ही हुआ डिनोमिनेटर में टाइम, देखिए कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यहां भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, चाहे घटे या बढ़े वो बात की बातें हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब ही यही हुआ, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब एक लाइन में मैथमेटिकली कुछ भी नहीं लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फिर कैसे लिखेंगे वो अलग है। पहले ये जानना जरूरी है कि रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब एक लाइन में ऑल स्पीशीज इन्वॉल्वड इन केमिकल रिएक्शन जिसकी भी टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होगी उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। रेट मेजर करने के लिए तरीका ही यही है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए, जैसे वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सीलरेशन कहलाता है। अगर चेंज कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो हम रेट मेजर नहीं कर सकते। पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया?
डेफिनेशन लिखिए द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। पहले एक लाइन में फिर रिएक्शंस के फॉर्म में समझाएंगे आपको। रेट ऑफ रिएक्शंस का जनरल फॉर्मूला हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम टाइम के। जी अदनान इकबाल समझ में आ रहा है? अदनान असफिया आई है बहुत दिनों के बाद। अनस खान तुम रेगुलर रहो। अनस खान चलिए दिख लिया सारे लोग। चलिए के नीचे लिखिएगा ड्यूरिंग या ऐसे लिखिए विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये सब बेसिक बात है, याद रखना है। ड्यूरिंग विद प्रोग्रेस ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अरे समीर तुमको आ रहा है कि नहीं? समीर साहिल रहबर एक या दो इंशा है, दोनों इंशा को समझ में आ रहा है? एक इंशा जामिया गर्ल्स की है और एक इंशा शायद न्यू हॉरिजन स्कूल की है। चलिए आप आइए।
देखिए अब मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, सारे लोग और से सुनिएगा। अभी 5 मिनट के लेक्चर में हम 3 चीज सीखेंगे, लिखना नहीं है, रेट ऑफ एपियरेंस लिखना नहीं है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एक है रेट ऑफ रिएक्शन। मैथमेटिकली सबकी मीनिंग एक ही है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, सबकी मीनिंग यही है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे है तो अभी एकदम गौर से देखना है। 3 मीनिंग फिर से, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। आपका टारगेट पहले इन तीनों को समझ लें और से सुनिए। मान लीजिए अगर आपके पास ए से बी कोई रिएक्शन बनाया, प्रोडक्ट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जब भी ये लाइन रहे डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, कंज्यूम्ड होता है, तो डिसअपीयरेंस का मतलब आपको रिएक्टेंट का लिखना है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कैसे लिखेंगे और से सुनिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस ब्रैकेट का मतलब मोल पर लीटर, ये सबको मालूम है, डिवाइडेड बाय टाइम। और यहां माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे और सिस्टम वो हम बताएंगे, घबराइएगा नहीं। जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहे, रिएक्टेंट की रेट कहे, आपको नेगेटिव लगाना, नेगेटिव का अप्रोच बताएंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बहुत सारे नाम है, आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बहुत सारे नाम है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, प्रोडक्ट इसका भी मतलब यही है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, इसमें कोई माइनस नहीं, क्यों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती है तो चेंज पॉजिटिव में आएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, कभी भी इफ एनी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिसअपीयरेंस कहेंगे और प्रोडक्ट की रेट को अपीयरेंस या जितना नाम लिखा गया कुछ भी बोलिए। दोबारा मैं बोल रहा हूं, द रेट ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज, जब वो नाम लिख दे तो या तो वो अपीयरेंस होगा या किस अपीयरेंस होगा। आई कैन रिपीट अगेन, रेट, जैसे इसको तुम ये भी बोल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट पार्टिकुलर स्पीसीज का फर्क है, एक वर्ड आएगा रेट ऑफ रिएक्शन और एक आएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, मतलब ये क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी मतलब पार्टिकुलर स्पीसीज अपीयरेंस बोल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस या नो? जल्दी लिखिए, तो जल्दी यहां तक लिखिए। जब भी कोई रेट पार्टिकुलर स्पीशीज के रिस्पेक्ट में लिखी जाए तो या तो वो एक अपीयरेंस होता है या डिसअपीयरेंस होता है।
बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? दोबारा रिपीट, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब पार्टिकुलर स्पीशीज प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब रिएक्टेंट की रेट। आप देखिए, कुछ भी नहीं लिखिएगा, ए और बी है अभी जो मैंने कहा, और से सुनेगा, मैं एक लाइन लिखता हूं फिर आप लोग मैसेज दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है ना कि रेट ऑफ जितना ए दिस अपीयर हो रहा है उतना बी, कोफिशिएंट वन कोफिशिएंट वन, मतलब रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ appearance of B। क्या मैंने सही लिखा? A जितना disappear हो रहा है उतना B बन रहा है, क्या ये line सही है according to this? इंशा, दोनों इंशा बोले, दोनों इंशा जरूर बोले, A B में convert हो रहा है। ये रेट है, गामा नहीं है, रेट आर है, ये आर। इस रिएक्शंस में फैजान समझ में आया? जस्ट अभी मैं रिमूव करने वाला था तुम्हें, अगर एक सेकंड भी लेट करते तो मैं तुम्हें रिमूव करने वाला था। फैजान समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, एक दफा और बोलो। तुम कौन फैजान हो यार? बोलता है कतई गलत, गधा बिहारी कहीं का। यहां देखे सारे लोग, आप देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को क्या लिखेंगे, माइनस It should be equal to delta B by delta T, और इसी को कहेंगे R, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, R O R। सुनो अच्छे से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस केवल रिएक्टेंट लिखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस केवल प्रोडक्ट लिखना है, और रेट ऑफ रिएक्शन कहे दोनों लिखना है। क्यों? डिफिनेशन क्या कहा था? Change in concentration of either reactant or product per unit time is called rate of reaction। जब भी रेट कहे आप दोनों लिखें। Are you getting my point? Appearance कहे product लिखो, disappearance कहे केवल reactant लिखो, rate कहे दोनों लिखो। बताओ ये आया कि नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन सबको समझ में आया? उस्मान, चलो जल्दी लिखो, एक फॉर्मूला और ड्राइव कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अच्छे से लिखवा दूंगा। पहले लिखो इधर अच्छे से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माइनस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी शुड बी इक्वल टू डी बी बाई डी टी, मतलब वही है
कहीं पर इस तरह भी लिखा है चेंज चेंज। बोलिए लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आप देखें प्लीज, अगर मैं ये लिखूं कि ए गिव्स टू बी, और से सुने कोई बात नहीं, मत लिखे वो बाद में आ जाएगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप एल के फॉर्म में लिखे, बी का फॉर्म बाद में भी आएगा ही। चलिए यहां देखिए, ए गिव्स टू बी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जस्ट डबल है कि नहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जितना डिसअपीयर हो रहा है बी उसका डबल बन रहा है, क्या ये इक्वेशन सही लिखा? फिर से बोलो, रेट ऑफ जस्ट ए का डबल होगा कि नहीं? ए जितना डिसअपीयर हो रहा है बी डबल बन रहा है, बोलो सारे लोग। अब सुनो रेट, अब सारे लोग सुनो, रेट ऑफ अपीयरेंस को क्या लिखोगे? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू, सारे लोग सुनो, टू इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इस इट कैन बी रिटन एज, सारे लोग सुनो, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब सुनो, अगर कोई यहाँ पर कोफिशिएंट 1 माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी, यहाँ कोफिशिएंट 2, जब भी कोफिशिएंट रहे वो डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा। जब भी रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोफिशिएंट 1 डेल्टा बाई डेल्टा टी, 2 बी कैसे लिखेंगे? 2 बी को 1 बाई 2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। Are you getting my point? Yes या no? ये मैंने प्रूव कर दिया कि कोई कोफिशिएंट अगर हो, कोई कोफिशिएंट हो तो वो डिवाइड हो जाएगा। जल्दी लिखिए सारे लोग। अरे दोनों इंशा को समझ में आया कि नहीं? ए अल्लाह बोल ही नहीं रही है ये। अब ये मैं प्रूफ कर दिया, अब मैं आपको जेनरलाइज लिख रहा हूं। अरे बोलिए, आ गया सबको समझ में?
से सुनिए, कोई भी अगर जनरल रिएक्शन है आपके पास, ए प्लस बीबी रिएक्शन करके सी सी प्लस डी डी बनाया, और से सुनो अच्छे से, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? माइनस वन बाई ए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड रेट, माइनस वन बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, इट शुड बी इक्वल टू वन बाई सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वन बाई डी. This is the general expression. जैसे for example, अगर आपके पास N2 gas है, 3H2 gas है, 2NH3 है, ध्यान दीजिए, R is equal to delta N2 by delta T is equal to minus 1 by 3 डेल्टा एच टू बाई डेल्टा टी, इट शुड बी इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी. अब बताओ, दिस इज द जनरल कंसेप्ट. मैंने पहले प्रूफ कर दिया कि कोफिशिएंट कुछ भी होगा नीचे डिवाइड होगा, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है. बोलिए, आया सबको समझ में? जल्दी बोलो. पहला काम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट. बोलो बोलो, आया सबको समझ में? जल्दी बोलो. अरे आवाज नहीं आ रही, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, लिख लिया सारे लोग?
चलिए यहां देखिए, अगर आपको और से सुने अच्छे से, आगे ए प्लस बी बी रिएक्शंस करके सी सी प्लस डी डी बनाया, आप बताओ सारे लोग और से सुनना अच्छे से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहीं तो कौन से, यहां देखें डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखेंगे, नो एनी कोफिशिएंट इज टेकन, जब रेट पार्टिकुलर स्पीशीज का लिखा जाएगा उसमें कोफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा, रेट के एक्सप्रेशन में अगर हम माइनस वन बाई डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कर देंगे इसको रेट कहेंगे, रेट के लिए बैलेंसिंग जरूरी है, जब भी रेट, दोबारा सुनो, जब भी रेट पार्टिकुलर स्पीशीज का कहे अपियरेंस या डिसअपियरेंस कहे तो आप कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसी तरह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डायरेक्ट लिखो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ए सॉरी सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, बताओ फर्क समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन और पार्टिकुलर स्पीशीज का एक्सप्रेशन, फर्क समझ में आया या नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बताएं सारे लोग, ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलें, रिमार्क्स लिखता हूं, पहला पॉइंट, देयर शुड बी नो एनी, देयर शुड बी नो स्टोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट is taken in the expression of rate of appearance and rate of disappearance, मतलब ये rate of particular species, ये लाइन याद रख लें, मैं लिख दिया हूं कि आप भूले नहीं, देयर शुड बी नो एनी स्टोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट शुड बी टेकन इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, क्लियर है,
चलो तुम लोग एक आंसर दो, रेट ऑफ रिएक्शन मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, विच ऑप्शन इज करेक्ट? रेट ऑफ रिएक्शन दोनों हो सकता है कि ओनली पॉजिटिव? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बट दिस इज रॉन्ग, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव होगा। देखो क्यों, रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट गौर से सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन इज, मैं प्रूव करूंगा, ऑलवेज पॉजिटिव, बट नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन, इन द एक्सप्रेशन, बट नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। जल्दी बताएं, समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? सैयदा इब्राहिम आ रहा है कि नहीं? सैयदा शरीफ आपको आ रहा है? सैयदा इब्राहिम, देखिए और से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। ए पी बनाया, देखिएगा लिखिएगा नहीं। अभी ए जीरो, ए माइनस एक्स एंड एक्स। अच्छा, अगर हम डेल्टा बाई डेल्टा पी, देखो अच्छे से, डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, ए माइनस एक्स माइनस ए बाई डेल्टा टी, देखो कैंसिल, माइनस एक्स बाई डेल्टा टी, यहां तक समझ में आ गया? अभी आपको क्या बताया गया था, इसमें हम नेगेटिव लगाते हैं, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया कि नहीं? बस इसलिए याद रखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव में देखो, यहां तक देखो, नेगेटिव में आने का मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन में नेगेटिव लगाया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट क्या कहता है, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, कुछ को छोड़कर, याद रखें रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो मैंने समझाया, समझ में आया कि नहीं? एक दफा और, कोई बात नहीं, एक दफा और, एक दफा और। ए बी बनाया, ए जीरो, ए माइनस एक्स, एक्स हम क्या लिखते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, रेट के एक्सप्रेशन में, माइनस को रहने दो, चेंज का मतलब ए माइनस एक्स माइनस ए बाई डेल्टा टी, ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बताओ रेट ऑलवेज पॉजिटिव आया कि नहीं? अनस्थान
अब आओ न्यूमेरिकल से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। चलो आगे बढ़ने से पहले यहां तक कोई डाउट है? तीन चीज समझ में आई, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कोफिशिएंट को हम लिखेंगे वो भी डिवाइडेड फॉर्म में, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोई कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता है, याद रखें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है? अब न्यूमेरिकल की तरफ आओ, अब तक जो पढ़े हो उस पर। चलो पहले तुम लोग बनाओ फिर हम बताते हैं। सारे लोग ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन, सारे ऑल स्टूडेंट ध्यान दें, ए से लेकर टू भी है। पहला काम हमेशा रेट का एक्सप्रेशन लिखें, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू हाफ डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, पहले ये लिख। डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, सिखाने के लिए मैं पहले समझा रहा हूं। ए पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इसके भी बराबर है, रेट इसके भी बराबर है, हमें ए का कुछ मालूम नहीं है, बी का दिया हुआ, तो रेट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो हाफ चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाय टू, 1.25 मोल पर लीटर पर सेकंड। सच सच पहले बताओ ए वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं? पहले हमेशा ये लिख लो,
दूसरा सुनो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कह रहा है। पहले जो स्टूडेंट सीखना चाह रहे हैं क्या लिखेंगे, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। और अभी आपने देखा है ना, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी हाफ डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टू आर टू इंटू 1.25 आपके पास 2.5 मोल पर लीटर पर सेकंड। पहला काम ये लिख लो, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी मालूम करना है, क्या हो जाएगा 2R, R की वैल्यू निकल गई। बोलो आया सबको समझ में, बताओ जल्दी बताओ। क्या तो लिखा ही हुआ कहा, क्या पूछ रहा हो, बी पार्ट क्या पूछ रहे हो, बी पार्ट क्या मतलब, ये बी पार्ट हुआ पूछ, नहीं समझ में आया क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, टू आर, टू आर, आर की वैल्यू रख दिया। जैद क्या पूछ रहा हो जैद, डेल्टा बाय डेल्टा की किसके बराबर, आर, आर की वैल्यू बताओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सबका आंसर था सही था, जिन्होंने आंसर दिया था आंसर मिला लो, जिनको नहीं समझ में आया देखो अभी और न्यूमेरिकल देंगे। अरे यार सबको समझ में आया, लिख लिए, उस्मान दोनों इंसान को समझ में आ गया, वाटर भी गैस है, मतलब ये रिएक्शन 100 से ज्यादा डिग्री पर हो रहा होगा, वाटर भी गैस है यहाँ पर।
उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप दूंगा। पहले तो बनाओ, पहले तो प्रैक्टिस करो। चलो सारे लोग बनाओ। चलो मैं अब बना रहा हूं, तुम लोग आंसर को मिला लो। पहला काम हमेशा पहला काम हमेशा लिख लो। पहला पार्ट और से सुनो, आंसर मत दो यार, अपना आंसर मिला लेना भाई, ठीक है? यहां देखो सारे लोग, पहला कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू 1/4 डेल्टा एनओ बाई डेल्टा टी इंक्रीजेस बाय टू। ये डिफरेंस 5 दिया हुआ है, S6 दिया हुआ है, बाय टू, तो 3/4 मतलब 0.7 मोल पर लीटर पर सेकंड। और सारे लोग बोलो जिसको भी डाउट है, पहला पार्ट सबको समझ में आया? डाउट होना तो पूछ लेना भाई। पहला पार्ट सबको समझ में आया? पार्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ, जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ कहेगा हम लिखेंगे डेल्टा एनओ बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एनओ बाय डेल्टा टी इट शुड बी इक्वल टू 4R, 4 × 0.75 क्या हो जाएगा 3 मोल पर लीटर पर। अरे अनस खान समझ में आ रहा? अनस खान बी पार्ट भी देख लो, हमें डेल्टा एनओ बाय डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा एनओ बाय डेल्टा टी 4R के बराबर, 4 × दिस। अरे अनस खान समझ में आ रहा भाई?
वेरी गुड वेरी गुड। देखो सी पार्ट कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर क्या लिखोगे डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी इट शुड बी इक्वल टू 6R 6 × 0.75। सच सच बता सबका आंसर मिल रहा है भाई सबका आंसर मिल रहा है कि नहीं जल्दी बोलो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 क्या लिखोगे माइनस डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। तो यहां देखो डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी 4R के बराबर 4 0.75 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ई पार्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 लिखोगे डेल्टा O2 बाई डेल्टा टू इट शुड बी इक्वल टू माइनस है 5R 5 × 0। जुनैद चौधरी बिहारी हो देखो यहां मैं इसलिए लिख लिख के कर रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया का मतलब ही हुआ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी ये पूरा है it should be equal to 4R no minus sign is taken। ए अल्लाह काश मेरी कौन सकी अभी बताया नहीं मैं इसलिए लिख लिख कर फिर कर रहा हूं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन। हाँ रेट इज ऑलवेज और यहां देखो माइनस डेल्टा एन एस बाई डेल्टा थ्री दिस इज होल 5 × 0.75 सॉल्व कर लेंगे। सारे लोग यस बोलो सबको समझ में आया ये न्यूमेरिकल मैं आप ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं जल्दी बोलो।
चलो सारे लोग आंसर दो। पहला काम हमेशा इस तरह लिख लो, आपको कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बहुत से सुने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 क्या लिखेंगे, माइनस दिस SO2 बाय dt, इट शुड बी इक्वल टू 2R। 2R यहां पर किसके बराबर है, DO2 बाय dt, 2 into 2.5 into the power minus 4, 5 into 10 to the power minus 4%। ms, m का मतलब मोल पर लीटर है ये। बोलो आया सबको समझ में, ज्यादातर का आंसर सबका सही है ए। चलो एक क्वेश्चन है ये करके दिखाओ, देखना है जोर कितना बाजुए खाती में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खाती में है।
चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोगों ने बना लिया, सारे लोग मैं जो बना रहा हूं सारे लोग ध्यान देंगे, ठीक है ठीक है, सबका आंसर देख लिया। अब सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए बोर्ड पर सारे लोग ध्यान दो। पहला काम, माइनस वन बाई टू डी एस ओ टू बाई डी टी माइनस डी ओ टू बाई डी टी शुड बी इक्वल टू हाफ डी एस ओ थ्री बाई। कोई बात नहीं, हमें कह रहा है रेट, सारे लोग सुनो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस ओ थ्री मतलब डी एस ओ थ्री बाई डी टी गिवन है, ये गिवन है आपके पास 100 ग्राम। अब सुनो, इस ब्रैकेट यूनिट होती है मोल, हम इसको मोल में पहले कन्वर्ट करेंगे, आसान क्वेश्चन तो हो जाते हैं स्टूडेंट से, और से सुनो अच्छे से, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो लीटर वॉल्यूम तो सबका सेम रहेगा, तो हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास बाई, पहले देखो इसको लिखा गया 100 ग्राम पर मिनट, यही लिखा गया 100 गिवन मास बाय मोलर मास, मोल, एक मिनट एक मिनट, सारे लोग सुनो अच्छे से, मोल मोल समझ में आ गया, वॉल्यूम तो रहेगा ही, पर मिनट पर लीटर पर मिनट। पहले बताओ यहां से यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो भाई, वो तो दिया हुआ है ना, आपको मोल में कन्वर्ट करना है, वो तो आपको कुछ में भी दिया रहा है, आपको मोल में कन्वर्ट करना है, तुम ग्राम में लिख रहा हो, तुम इसके बराबर हम लिख रहे हो, मोल में कन्वर्ट करना। आप सुनो अच्छे से, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ एस ओ टू माइनस डी एस ओ टू बाई डी टी कैंसिल है, बराबर ही होगा, आप सुनो अच्छे से, बराबर 100 बाई 80, इसकी यूनिट का मोल पर लीटर पर मिनट, ऑप्शन में दिया हुआ है ग्राम, फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, एसओ टू का मोलर मास कैंसिल 8, तो क्या आ जाएगा 80 ग्राम पर मिनट, दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन, प्लीज सुने, एंड यहां तक लिख लिया, अब ऑप्शन में देखेंगे, मोल पर लीटर में ऑप्शन नहीं है, ग्राम में है, तो हम एसओ टू की रेट ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे SO2 का मोलर मास 64, बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया अच्छे से, ऐसे देखो इट शुड बी, हम यहां लिख दिया 100 बाई 80, देखो इधर मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक, अब ऑप्शन में देखा, ऑप्शन क्या ये दिया हुआ है, नहीं, ऑप्शन ग्राम में दिया हुआ है, तो अब हम एक स्टेप बढ़ा दिया जानबूझ के, चलो 100 बाई 80 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास, तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, अब किसका मोलर मास जिसका निकाल रहे हैं 64, अब यूनिट हो जाएगी
तुमको जरूरी नहीं कि लीटर लिखो, लीटर भी लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट है मोल का, वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है। अब समझ, जिन्होंने लिखा था ऐसे लिखा था ना, बिहारन देखने तो जीरो से कैंसिल तो आ गया 80 ग्राम पर मिनट। अब बताओ आया कि नहीं, स्टेप पढ़ा दिया, आंसर तो यही था। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, जब ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या ऑप्शन में, ग्राम में, तो आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। बोलो 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 आया कि नहीं। अरे यार ला, बोलिए ना आया कि नहीं। चलो आज इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।